खूबसूरती आपको किसी के मनोरंजन के योग्य बना सकती है, राज करने योग्य नहीं बना सकती। ध्यान देना, राज तो वो करेगा जिसमें योग्यता है। परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी सर, लेकिन अगर प्रयासों का दामन पकड़े रहे ना तो परिणाम उस प्रयास का गुलाम बन जाता है। हूं एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, चाहे वो आप सरकार की बात करो, चाहे एमसीडी की बात करो, किसी की बात करो, एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, जिसके पास ताकत है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि एक मिडिल क्लास, एक आम तबके का आदमी मेरे बराबर आके खड़ा हो जाए। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है आपको, चाहे जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए, रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड का लिटरल मीनिंग समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोग, मुझे तो बहुत साल समझ में नहीं आया एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। आप अगर डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ और आएगा, उससे समझ नहीं आता। एटीट्यूड का लिटरल मीनिंग समझिएगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में, आप उस हाल के अकॉर्डिंग, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा रिएक्ट करते हो, वही आपका एटीट्यूड होता है। लेट्स सपोज आप अगर यहां बैठे हो, किस पर्पस के लिए बैठे हो, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, और आप अगर पूरी तरीके से पूरे अटेंशन के साथ सीख पा रहे हो, सीखने में ध्यान लगा रहे हो, दैट्स योर एटीट्यूड। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मजा ना आए इसी चीजों में, या कुछ और चीजों में मजा आए, दैट्स बिकेम देयर एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कुछ दिनों पहले मैं ओशो को सुन रहा था, तो ओशो की बड़ी मजाकिया वे में वो कहानियां सुनाते हैं। तो बता रहे थे कि एक हस्बैंड वाइफ रात को सोते वक्त आपस में बात कर रहे थे। वाइफ ने बोला कि अजी सुनो, हमारा अगर बेटा हो गया तो हम कहां सुलाएंगे उसको। तो हस्बैंड थोड़ा सा बगल साइड होकर के सो गया और बोला कि ये बीच में सुलाएंगे। तो वाइफ ने फिर पूछा, अगर दो बेटे हो गए तो। हस्बैंड थोड़ा और अलग हो गया, यहां सुलाएंगे। बोला अगर तीन बेटे हुए तो। हस्बैंड थोड़ा और अलग हुआ, इतने में वो धड़ाम से नीचे गिरा और गिरते ही चिल्लाया, और चिल्लाहट सुनकर के पड़ोसी एकदम दौड़ के बाग के अंदर आया कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो हस्बैंड ने बोला, हमारे बेटे ने हमारी कमर तोड़ दी। तो पड़ोसी कहता, बेटा कहां है तुम्हारा। तो बोला, यही तो दुख है, जो बेटा अभी तक हुआ ही नहीं है उसने कमर तोड़ दी, और अगर हो गया तो क्या क्या तोड़ेगा, तो इसलिए आज के बाद हम बच्चा करेंगे ही नहीं। समझिएगा मोरल ऑफ द स्टोरी, ये हम सबकी कहानी है। आज हम सबसे ज्यादा अगर शिकार किसी चीज के हैं तो ओवर थिंकिंग के है। भविष्य भी आया नहीं है, घटनाएं हुई नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में घर उसने पहले ही बना लिया है। किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ कोई देख लिया, वहां फोन कर दिया, अरे तेरी वाली को मैंने वहां देखा, इधर दिमाग में चलने लग गया, अच्छा मेरी वाली वहां उसके साथ, वो तो ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, क्या बात कर रहा होगा, तुरंत मैसेज गया, आज के बाद मुझसे बात मत करना, कट, नंबर ब्लॉक। सर क्या था, भविष्य की कल्पनाओं के बेस पे ही तो आपने निर्णय ले लिया ना। तो आज मैक्सिमम लोग इसी से जूझ रहे हैं, और यही होती है सर एटीट्यूड। आप अपने सिचुएशन को टैकल कैसे करते हो, दैट्स एवरीथिंग। देखो आप लोग स्टूडेंट हो, और जिस एज में आप लोग हो ना, ये मैं कहता हूं इसको ब्लेसिंग एज। क्यों ब्लेसिंग एज है, एक इंसान को हाई प्रोडक्टिव बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है एनर्जी, शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी, मतलब ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज, उस एनर्जी को यूज करने के लिए उसमें चाहिए मैच्योरिटी, कि आप उस एनर्जी को सही जगह लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, प्रोडक्टिव टास्क में लगा रहे हो, अनप्रोडक्टिव टास्क में लगा रहे हो, और उसके साथ चाहिए थोड़ा बहुत तजुर्बा। तो आप लोग जिस एज में हो, ये तीनों ही चीजें आपके पास है। सोच के देखिए, कुछ साल पहले जब आप 10-12-15 साल के रहे होंगे, उस वक्त आप में एनर्जी बहुत थी, शारीरिक और मानसिक, मैच्योरिटी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। एक आदमी जो 40-45 साल के बाद का क्रॉस कर चुका है, 50 का एज क्रॉस कर चुका है, सर उसमें मैच्योरिटी बहुत है, एनर्जी की कमी हो गई है, नहीं ताकत की कमी हो गई है। आपका सिर्फ इकलौता ऐसा एज है, 20 साल से लेकर के 30-35 की एज, अगर मैं बोलूं, ये एज ब्रैकेट एक ऐसा एज है, ये तीनों चीजें आपके पास भरपूर है, भरपूर। और जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप शारीरिक लेवल पे एनर्जी से भरपूर नहीं है, तो चाह करके भी वो काम नहीं कर पाएंगे जिसमें आप बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, आपको शरीर रोकेगा, आपका मन रोकेगा। मैच्योरिटी नहीं है तो आप डिसीजन गलत लेंगे, अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आपके निर्णय गलत होंगे, आप तुक्का लगाओगे, फिर कहीं पहुंच नहीं पाओगे, फिर अटकोगे, कई बार अटकोगे। तो आप जिस एज में हो सर, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, इसको यूज करो। इमेजिन करो आप ट्रक चला करके कहीं जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। आप ट्रक चला करके कहीं जा रहे हो, हाईवे पर चल रहे हो, हाईवे एकदम साफ सनाटा है, तकड़ 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 करके एकदम टॉप गियर में ट्रक आप चलाए जा रहे हो। अचानक से थोड़ी देर बाद क्या होता है, डायवर्जन आता है, और डायवर्जन तीन है, एक डायवर्जन बिल्कुल सीधा है, एक डायवर्जन लेफ्ट की तरफ है, एक डायवर्जन राइट की तरफ है। सर सीधे वाला जो डायवर्जन है, आपको पता चलता है थोड़ी देर उस बाद उसमें खाई है, तो सीधे वाले डायवर्जन में तो अपन जाएंगे नहीं। सर राइट वाला जो डायवर्जन है, पता चलता है वहां पांच लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं रोड पर बैठ करके,
लेफ्ट वाला जो डायवर्जन है वहां पता चलता है कोई एक आदमी लेटा हुआ है उस सड़क पर। आप मुझे बताइए कि ट्रक आप किस दिशा में लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है हाईवे वो पांच लोग जो उधर बैठे हैं और इधर एक बैठा है, जिस भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, इधर जाओगे तो पांच मरेंगे, इधर जाओगे तो वो एक मरेगा, किसको मारना चाहोगे? मारना हालांकि आप किसी को नहीं चाहोगे, आप बाकी चार को बचाना चाहते हो, है ना, तो इसलिए एक की तरफ लेकर के जाओगे। लेकिन अब मुझे सवाल एक जवाब बताइए, अगर आपको पता चलता है वो एक जो है आपके परिवार का कोई अपना है, अब किधर लेके जाओगे? अब पांच को मारोगे? नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले आपको उस एक की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी वो कौन है, इसलिए आप उसको उड़ाने को तैयार थे। अब इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, उसकी वैल्यू समझ में आ गई, तो रास्ता बदल गया। आप समझिए यही लाइफ में होता है, एक किसी जीवन साथी को पाने के लिए पूरे परिवार समाज सबसे लड़ गए। नहीं, जिस आदमी को आप मिलिट्री वालों को देखो, आर्मी वाले को देखो, उनको एक देश को बचाने के लिए अपनी जान वो देने को तैयार है। क्या होता है सर, इंपॉर्टेंस पता चल गई उस गोल की, उस लक्ष्य की। जिस आदमी को अपना टारगेट का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है ना, फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम जान नहीं पाते हैं कि जिस चीज को हम पाने के लिए काम कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो अगर मेरे को नहीं मिलता है तो मैं अपनी जिंदगी में क्या खो दूंगा, ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसी को कहते हैं क्लैरिटी। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको ना इस एज में सब कुछ चाहिए, पढ़ाई भी कर लें, थोड़ी मटरगस्ती भी दोस्तों के साथ हो जाए, गर्लफ्रेंड भी बनाना जरूरी है, लेटेस्ट वाला जो आईफोन आया है वो भी हाथ में चाहिए चाहिए, चमकाएंगे कैसे, नहीं तो लोग हमारे को गरीब समझेंगे ना, वो भी नहीं चाहिए, लोग अमीर समझने चाहिए, और वहां पढ़ना चाहिए अपना, वो भी चाहिए, और पढ़ाई भी हो जाए, नौकरी भी टॉप क्लास के चाहिए, भैया स्टार्टअप खोलना है तो 3 साल बाद उसके लिए फंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब आपको सब कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। जब तक उस एक आदमी की जो मिदर बात कर रहे थे लेफ्ट साइड जाने की, जब तक लाइफ में कोई एक चीज की इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आती, अपना पूरा जान ताकत हम उधर पे नहीं लगाते, मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना है। आप देखो ज्यादातर जो थोड़े मिडिल क्लास से नीचे तबके की बात करूं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, उनकी लाइफ को आप देखो, उनकी लाइफ में सब कुछ होता है लेकिन सब थोड़ा थोड़ा होता है, बड़ा कुछ नहीं होता है। आप किसी अमीर आदमी को देखो, वो एक इंडस्ट्री में खेल रहा होगा लेकिन उसी में पारंगत होगा, उसी में वो टॉप पर होगा। मैंने कुछ दिनों पहले सोनाली बिंद्रे का एक इंटरव्यू देखा था, सोनाली बिंद्रे जानते हैं आप लोग, एक्ट्रेस, अभी कुछ टाइम पहले उनको कैंसर भी हुआ था और रिकवर भी कर गई। सोचो कैंसर से लड़कर के रिकवर करना कितना ताकत वाला चीज चाहिए होता है। उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो वो कह रही थी निर्मा सर्फ की एड की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली थी। तो उनसे पूछा गया कि आपको जब ये एड मिला था तो आपने कभी सोचा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी आप इस एड की वजह से और ये एड इतना पॉपुलर हो जाएगा? तो उनका जवाब क्या था सुनिएगा। वो कहती थी, ये जब एड मुझे मिला था ना, उस वक्त मुझे कोई एड देता नहीं था, उस वक्त ज्यादा साबुन के एड चलते थे और वो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को मिलता था जो ज्यादा जिनका नाम है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था, तो मैंने सोचा जो मिला उसी को कर लेते हैं। मगर उस एड की वजह से सोनाली बिंद्रे का नाम इतना बड़ा हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा, एक आम एवरेज आदमी हर चीज में कमी निकालेगा, ये चीज मेरे लायक नहीं है, ये नौकरी में थोड़ी करूंगा, इसमें चेयर बढ़िया नहीं मिल रहा है मुझे ऑफिस में, अरे इसमें तो फील्ड में दौड़ाएंगे, नहीं नहीं ये वाला काम मेरे बस का नहीं है, ये मैं करूंगा नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये मैं करूंगा नहीं, वो अच्छा नहीं है और उसमें ये कमियां हैं। एक स्ट्रॉन्ग मानसिकता वाला आदमी सर ये नहीं ढूंढता कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, किस काम में ज्यादा स्कोप है, किस काम में कम स्कोप है। एक स्ट्रॉन्ग मानसिकता वाला आदमी अगर चाय के धंधे को भी पकड़ता है ना, चाय बेचने का भी काम भी पकड़ता है, तो उसमें अपनी इतनी शिद्दत डालता है वो शायद कोई डॉली चाय वाला जैसा ऐसा निकलता है जो कि पूरे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने स्कोप वाला काम पकड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा काम आप पकड़ रहे हो जितने भले ही अभी तक किसी ने तोप ना छोड़ा हो लेकिन आपने उसमें कितनी शिद्दत डाली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ये सबसे ज्यादा मिसिंग है। सबको बनी बनाई पोजीशन चाहिए, सबको बना बनाया खीर चाहिए, सबको बना बनाया धंधा चाहिए। मैं वही धंधा करूंगा जिस धंधे में बहुत स्कोप है, मैं वही धंधा करूंगा जिस धंधे में बहुत कस्टमर पहले से बने हुए हैं, मैं वही जॉब करूंगा जिस जॉब में पहले से अच्छी सैलरी मिलती है, जिसमें प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। क्या होता है फिर इसका नतीजा? उम्र पे उम्र, समय पे समय बीतता चला जाता है, आदमी फिर कहीं नहीं पहुंचता है। छोटा आदमी ना हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैं जब जॉब किया करता था, तकरीबन मुझे अभी 5 साल हो गए जॉब से फ्री हुए, उस वक्त मैं देखता था अपने ऑफिस कलीग को लंच के टाइम पे। मैं ऐसा आदमी था, मैं हमेशा से मैक्सिमम टाइम लंच अकेले करना प्रेफर करता था क्योंकि मेरे को किसी भी कलीग की बात समझ नहीं आती थी,
वो लोग जिस तरह की बातें करते थे ना गॉसिप, ये शायद भगवान की कृपा रही कि हमारी बुद्धि थोड़ी अलग रही, हमारी सोच थोड़ी अलग रही है, मुझे जो पसंद था वो थोड़ा अलग रहा, शायद इसी वजह से मैं उस भीड़ से निकल पाया। मैं उनकी बातें सुनता था, अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया यार, 2 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने, सरकार ठीक नहीं है, तुझे पता है वो उसकी वाइफ छोड़ करके निकल ली किसी और के साथ, पता चले यार चावल दाल बहुत महंगा हो गया है, ये सरकार ठीक नहीं है। सर कभी देखना ऐसी चीज, कभी किसी लोकेलिटी की बात हो रही है, कभी पड़ोसी की बात हो रही है, कभी सरकार की बात हो रही है, कभी देश की बात हो रही है, कभी पाकिस्तान की बात हो रही है। एक एवरेज आदमी हमेशा उन छोटी छोटी चीजों की बात करेगा जिसपे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपका कोई कंट्रोल है तो काय को बात करना। सर पाकिस्तान में कुछ हो गया उसपे कोई कंट्रोल आपका नहीं ना, किसी की बीवी छोड़ के बातें उसमें आपका आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या मजे ले रहे हो। तो मेरे को शुरुआत में ही समझ में आता था कि मेरा कंट्रोल जिस चीज पर है मैं वही बात करूंगा, वही चीज सोचूंगा, जिस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ो ना भगवान भरोसे। लेकिन एक रिच मानसिकता वाला आदमी, रिच एटीट्यूड जिससे हमने सेशन की शुरुआत करी, एवरीथिंग अबाउट एटीट्यूड, वो अपने मतलब की बात सोचता है, मेरे को क्या करना है। अभी देखो, अभी कल परसों 2-3 दिन में कांड हुआ, आप लोग शायद अवेयर हो गए, दिल्ली में वो जो पानी बेसमेंट में भर गया, 3 स्टूडेंट्स बेचारों की मौत हो गई। अभी देखो न्यूज में क्या चल रहा है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट मिल गया, न्यूज वाले को न्यूज मिल गया, अपोजिशन को जो पोजिशन में है उनको ब्लेम करने का कंटेंट वो मिल गया, सब अपना अपना लगे पड़े। इसमें एक चीज समझिएगा सर, स्टूडेंट लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारी पर तो हमारी तो जान बहुत सस्ती हो गई है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं है। एमसीडी वालों को कोई ब्लेम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। एक चीज समझिएगा, शोषण एक आम आदमी का कोई नया बात नहीं है, सदियों से होता रहा है और सदियों तक होगा, कभी भी ये नहीं बदलने वाला। ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ सही हुआ, इनका कोई सुनवाई नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सा दूसरा पहलू आपको सोचने को कह रहा हूं।